हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको बहुत बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि हमें भी झटका लगा था और हो सकता है कि आप मेरी बात पर यकीन भी ना करें, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो हमने अपनी आंखों से क्लिपिंग में देखा है। आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों की लड़ाई हो रही है पिछले 3 दिन से बिग बॉस के घर के अंदर, यानी कि जैसे ही वीकेंड का वार खत्म हुआ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर इस वक्त एक क्लिपिंग पूरी तरह से छाई हुई है और वो क्लिपिंग है सिद्धार्थ शुक्ला और असिम रियाज की, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज के स्वयंवर वाले टास्क के पहले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं असिम रियाज को कि असिम चल लड़ाई करते हैं। वो कहता है नहीं ना, चल ना, लड़ते हैं, जानबूझ के लड़ते हैं, चल अच्छे से लड़ते हैं। वो मना करता है लेकिन सिद्धार्थ उसे प्रेशराइज करता है और ये लड़ाई प्लान्ड है। लेकिन क्यों है ये लड़ाई प्लान्ड? वेल, इसके पीछे तर्क भी है हमारे पास। थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। वीकेंड का वार हुआ, सलमान ने घर वालों को बताया कि विशाल कायर है, विशाल पीठ पीछे बात करता हुआ नजर आया पारस से, प्लानिंग प्लॉटिंग करता हुआ नजर आया रश्मि के साथ भी कि किस तरह से उन्हें टास्क को जीतने के बाद क्या कुछ करना है। वहां पर सिद्धार्थ और असिम दोनों बैठकर ये सुन रहे थे। विशाल आदित्य सिंह पर सिद्धार्थ ने भरोसा किया था जब कैप्टनसी वाला टास्क हुआ था और उसी वजह से विशाल जीता था और असिम हार गया था। काफी सवाल थे असिम के मन में भी और काफी सवाल थे सिद्धार्थ के मन में भी। सिद्धार्थ ये जानना चाहते थे कि विशाल आखिर किसकी तरफ है। नया रूप देखने को मिल रहा था देवोलीना का। देवोलीना सिद्धार्थ के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जो उसने कभी नहीं किया। नए नए चेहरे दिख रहे थे लोगों के। माहिरा, जब पार्टी हुई तो माहिरा भी डांस करने की कोशिश कर रही थी। शहनाज फिर से पलटी मारकर सिद्धार्थ के ग्रुप में आई और ये सब चीजें। सिद्धार्थ एक मास्टर माइंड है दोस्तों, बहुत दिमाग है उसके पास। और उसने जब इन सब चीजों को देखा ध्यान से तो उसने यही सोचा होगा कि इन सबको जाने तो सही, आखिर कौन सा मेरे पाले में है और कौन सा पारस के पाले में है। ये कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं पारस और विशाल आदित्य सिंह। और दोस्तों, आप भी वो क्लिपिंग देख सकते हैं, अमर उजाला की वेबसाइट पर वो क्लिपिंग अवेलेबल है। हम कॉपीराइट की वजह से वो क्लिपिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लिपिंग का लिंक जरूर शेयर करेंगे, जिससे आपको हमारी बात पर भरोसा हो जाए। क्योंकि हम दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि आप तक बिग बॉस की हर एक खबर लेकर आए, वो भी सबसे सटीक और सबसे पहले। और अगर दोस्तों इन दोनों की सच में जो दोस्ती है वो खराब नहीं हुई है, वो नकली लड़ाई है, तो आई मस्ट से कि दोनों शानदार एक्टर हैं। क्या एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स इनके सामने फेल हो जाएंगे। वेल, आपको क्या लगता है, क्या सच में सिद्धार्थ और असिम की दोस्ती नहीं टूटी है, क्या सिर्फ ये एक प्लान स्ट्रेटजी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइस।